आज हम लोग सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर बनाने वाले हैं हमारे डायमंड के इंचेंटेड आर्मर को। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर मतलब इस वर्ल्ड के ना एक खास बात है, एक मेरे घर के अंदर ना एक खास बात है। आप लोग सिर्फ देख के बताओ, खास बात क्या है सिर्फ आप लोग देख के बताओ। आपको शायद इस ट्रैप डोर नज़र आ रहे होंगे, तो ट्रैप डोर के अंदर कुछ ढंग का क्या है मुझे भी नहीं पता, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रैप डोर के अंदर है तो है क्या चीज़। तो उससे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक एन्चेंटिंग टेबल, एन्चेंटिंग टेबल एक बुक बनाना चाहिए। बुक कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, हम मतलब पूरा एकदम तगड़ा मतलब छोड़ मचा के आए हैं कि आज हम लोग किसी भी तरीके से डायमंड के आर्मर को एन्चेंट करने वाले हैं। सो चलो सबसे पहले पेपर पे बना लेते हैं इसको, और उसके बाद चलो बहुत सारा बुक भी बना लेते हैं, और मुझे बुक शेल्फ का बहुत ज़रूरत है। सो गाइज, मैंने आज एन्चेंटिंग टेबल का फुल अपग्रेड वर्शन बनाने वाला हूँ, जो कि पूरा यहाँ पर रहने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले आप लोग कन्फ्यूजन में हो गया कि भाई क्या बोल रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो देख लो, इस छोटी मोटी जगह पे मैं किसी भी कीमत पे आज मतलब जो छोटी मोटी जैसे भी हो एक एन्चेंटिंग टेबल का ब्रांड न्यू जगह बनाने वाला हूँ, जहाँ पे रहने वाला है सब एन्चेंटिंग टेबल का फुल सामान। सबसे पहले बना लेता हूँ पेपर को, उसके बाद मैंने काफ़ी सारा बुक को ले लेता हूँ, और अब मुझे शायद हो जाएगा। हाँ, छट्टे हो चुका है, तो इससे मेरा काम शायद बन जाएगा। नहीं बना तो मैं और थोड़ा सा लेकर आता हूँ, क्योंकि लेदर तो मेरे पास पड़े हैं, बट मेरे पास कमती जो चीज़ की होने वाली वो है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, अरे खुद ही भूल गया, हाँ शुगर कैन को लेकर आते हैं। सभी जगह पे ग्रो होके बैठा है, मैं जस्ट इसको अभी तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि पूरा ये कन्वर्ट हो मतलब पूरा कन्वर्ट हो चुका है, ये मतलब फुल सुगरकेन बन चुका है यहाँ से। और चलो सबसे पहले इसको तोड़ ले लेते हैं, और इन्वेंटरी में ना नहीं आएगा तो डिस्पॉन हो जाएगा चांद, और मेरा चीज़ साले सारा गवाड़ हो जाएगा। चलो और नहीं है, सबसे पहले चलो काम पर लगते हैं, क्योंकि काम पर लगना अच्छी बात है। और मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ चीज़, जिसको देख के आप लोग भी रोने वाले हो सच में। देखो मतलब इतना गंदा तरीके से इस जगह को क्रीपर ने तोड़ा है ना। मैं पूछा किसी ने नहीं पूछा, मैं आपको क्या बोलूं मैं आपको सच में। ओ भाई, दो घोड़ों मिलके क्या कर रहे हो वहाँ पे? अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चे लोग यार नहीं देखते यार, आप लोग समझ, बच्चे हो ऐसा नहीं देखते यार, बवाल चीज है वे। वो पढ़ाई बराई कर रहे हैं, तो आईपीएस बनेगा बड़ा होके, और ये सब करते रहेगा, तो आप लोग यार प्लीज उसको अवॉइड करो। आप लोग बच्चे हो यार, मैं भी बच्चा हूँ, मैं कहाँ बड़े हूँ यार। अरे यार मुझे क्या, हाँ बुक चाहिए होंगे, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे मुझे क्या चाहिए यार, मैं तब से यहाँ पे खड़ा हूँ उस चीज़ के लिए। सो चलो, मुझे मेरे पास आ चुका है कितना आया, 14, चलो एग्जैक्ट 14 मेरे पास आ चुका है, जो कि मेरे लिए मतलब अच्छी बात है, क्योंकि उतना ज़्यादा मेहनत मुझे करना नहीं पड़ेगा, और नहीं करना भी पड़ा मुझे। और चलो मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा के आता हूँ, एन्चेंटिंग टेबल को। आप लोग यार धीरे धीरे आप लोग गलत समझने लगते हो यार, क्या गुंडा बनेगा तू यार, ये सब क्या यार, तुम लोग भी ना आजकल लड़के समझने लगते हो, मुझे भी नहीं पता। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या समझते हो यार, मेरे तरफ मत देखो, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या देखते हो यार, मुझे नहीं पता। और ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करो, क्योंकि आजकल जो है मतलब ज़्यादा मोबाइल घटना बंद करो, और ज़्यादा गूगल भी घटना बंद करो, क्योंकि आप लोग कुछ ज़्यादा ही आजकल प्रो बन रहे हो, खूब बहुत ज़्यादा प्रो बन रहे हो। तो मैं ना काम कर लेता हूँ, सबसे पहले बकवास बहुत हो चुका है, अब चलो मेरा सीधा काम पर लगता है। डिसएन्चेंट करने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ उस चीज़ को। डिसएन्चेंट करने के लिए भी हमको कुछ चाहिए होंगे, मुझे नहीं पता, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले मुझे क्या लेना है। चलो मुझे लेना है ये, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, डोस्टिक जो मेरे पास है, प्लैंक्स भी बढ़िया है, स्लैब चाहिए होंगे मुझे एक, और स्लैब के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा शायद। चलो स्लैब्स तो यहाँ से शायद बन जाएगा, चलो स्लैब्स भी बना लेते हैं, स्टिक भी बना लेते हैं, अब शायद हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा यार, नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाएगा चीज़। और देखता हूँ, मतलब एग्जैक्ट वो चीज़ ही चाहिए मुझे यार, इससे काम नहीं बनने वाला, एग्जैक्ट स्टोन का यही चाहिए मुझे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं ना इन लोग मुझे, सच में मेरा दिमाग बिगड़ जाता है। तो मेरे मुझे ना फार्नेस पे जाके इसको मतलब स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोबल स्टोन का है, ये है कोबल स्टोन, इसको स्टोन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते, उसके बाद कटर भी हमारे पास ऊपर पड़ा है, तो उतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा इससे, और कटर भी मेरे पास पड़ा है, तो चलो एक से मेरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो तू तुझको ले लिया, तुझको नहीं चाहिए यार, तू यहाँ पे रह जा, तुझे मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेंटरी में भर रहा ही नहीं करने वाला। तो चलो स्टोन कटर भी मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, जो कि अच्छी बात है मेरे लिए, और स्लैब्स बनाने वाला, चलो दो स्लैब्स भी हो चुका है, अब चलो यहाँ से बना लेते, उतना नीचे जाके फिर कौन सी बात है यार इतना ज़्यादा ये करना। चलो इसको भी ले लिया, और गाइस अरे यार जल्दी कूद जा यार, इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है यार। चलो काम भी हमारा हो चुका है। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी वीडियो को कट करने वाला हूँ, क्योंकि हमको 50 मतलब मैं आपको 50 जो है मतलब एक्सपी करने के बाद ही मैं आप लोगों से मिलता हूँ।
गाइस मैं देखना चाहता हूँ मुझे कितना मेहनत के बाद ये देने वाले हैं, और मैं भी इसको लेके रहूँगा प्रोटेक्शन। चलो इसको मतलब कम खर्चे में ले लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यार प्रोटेक्शन वन से क्या होगा हमारे। ये मतलब बहुत ज़्यादा खटारा बात हो गया, प्रोटेक्शन वन वन करके दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। प्रोटेक्शन वन में क्या क्या मिलेगा प्रोटेक्शन वन से हमको, ब्लास्ट प्रोटेक्शन दे रहा है ये, सच में बहुत गद्दारी कर रहा है भाई ये। मैं नहीं चाहता उसको कुछ बोलना, बट ये जो कर रहा है वो बहुत गंदी बात है यार भाई। थोड़ी सी एंचेंटमेंट अगर मिल जाए तब भी सही है, तो स्टार्टिंग में मैं बाद में भी इसको मतलब अच्छा अच्छा कर लूँगा, और मैं अभी इसको ले लेता हूँ। चलो और इसको रख देता हूँ, प्रोटेक्शन वन से काम बन जाएगा, फायर प्रोटेक्शन। चलो प्रोटेक्शन वन से काम चला लेता अभी के लिए। गाइस अगली वीडियो में मैं कुछ ना कुछ तो तगड़ा करने वाला हूँ, बिलीव मी, मैं कुछ ना कुछ तगड़ा करने वाला हूँ अगली वीडियो में। फायर प्रोटेक्शन सही नहीं चाहिए मुझे इस, चलो इसको ले लेते हैं, ये भी कोई काम का नहीं है। चलो वन ले लेते हैं भाई, कुछ तो नहीं है इससे अच्छा कि फेदर फॉलिंग टू। ये बढ़िया, सच में ये बढ़िया था, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था, फेदर फॉलिंग टू बहुत बढ़िया था, मुझे काम पे आने वाले थे ये। और शार्पनेस टू दे देना यार, शार्पनेस टू। चलो अनब्रेकिंग टू दे दिया, हाँ स्माइट टू भी दे दिया, सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बट मुझे गंदा जो लगा ना, मुझे चेस्ट प्लेट को शायद और भी ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए था, बट हाँ मैंने मुझे लगा कि चेस्ट प्लेट थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि इतना कम चीज़ों में नहीं होने वाला है फायर प्रोटेक्शन, इससे काम नहीं बनने वाला ना यार। ये सबसे बड़ी गलती है ना, काम नहीं बनने वाला इससे, मैं देखता हूँ इससे। मतलब चेस्ट प्लेट सबसे ज़्यादा काम पे आने वाली चीज़ों में से एक है, प्रोटेक्शन टू। चलो ये भी काफ़ी बढ़िया है, तो प्रोटेक्शन टू आज के लिए ले लेते हैं, और चलो टू प्रोटेक्शन टू ले लेते हैं। और गाइज हम लोगों ने फाइनली, मेरे पास आ चुका है बहुत सारा चीज़, मैं आपको दिखा देता हूँ। और चलो आज के लिए मैं बस इतना ही। सो गाइज आज के लिए मैं इतना ही बनाना चाहूँगा वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है शायद वीडियो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरे पास डायमंड कैसे आया, आपको अगर ये दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है शॉर्ट वीडियो का, जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो आप लोग, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में मेरे एक्सपी फार्म बनाने नहीं देखा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आज के लिए मैं इतना बनाना चाहूँगा वीडियो को, लंबा करना चाहूँगा, तो बाय बाय।